नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसा दिखाऊंगा जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज का हमारा वीडियो विजयंत टैंक को लेकर होने वाला है। विजयंत टैंक भारत में निर्मित पहला स्वदेशी टैंक था जिसे दिसंबर 1965 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। विजयंत टैंक का जो डिज़ाइन था वो यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी थी विकर्स, उसने 1961 में तैयार किया था। भारत में इसका निर्माण चेन्नई में हैवी स्टील मोटर एक कंपनी है जो चेन्नई में अवधि के पास है, उसमें किया जाता है। लगभग 2200 टैंकों का निर्माण किया गया था। 1986 में इसका निर्माण बंद कर दिया गया था। विजयंत टैंक का इस्तेमाल 1971 में भारत पाक युद्ध और उसके बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन में किया गया। इसकी जो लंबाई है वह 9.7 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.1 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वह 2.7 मीटर। इसका वेट है वो है 39 टन और इसमें 4 मेंबर बैठ सकते हैं, मतलब इसको चलाने के लिए 4 क्रू मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो परत है ये है 80 mm स्टील की बनी हुई और जो इसमें इंजन लगा हुआ है वह लीलैंड कंपनी का L60 जो है 399 किलोवाट का। इसकी जो स्पीड है, चलने की स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसकी मारक क्षमता यानी कितनी रेंज तक ये मार सकता है तो है 530 किलोमीटर, 530 किलोमीटर की रेंज तक ये वार कर सकता है। इस विजयंत टैंक में 3 मशीन गन लगी हुई हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं यह 12.7 mm, एक है 7.62 mm और एक उसके ऊपर टॉप जो गुंबद है उस पर लगाई जाती थी 7.62 mm की मशीन गन। इसमें 6 जोड़े स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर के लगे हुए रहते थे और 2016 में इसका फोटो भारतीय सरकार ने डाक टिकटों पर भी लगाया था। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।